झारखंड में भी 4 दिवसीय छठ महापर्व उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। छठ व्रतियों की तपस्या पूरी हुई। पहला अर्घ यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद से दूसरे अर्घ यानी उदयीमान सूर्य को अर्घ देने की प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। और जैसे ही दूसरे दिन भगवान भास्कर दर्शन देते हैं तो छठ व्रतियों की जो है तपस्या वह पूरी हो जाती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जेल तालाब में छठ पूजा की और अर्घ दिया। इससे पहले अर्घ के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे और उन्होंने भी अर्घ दिया था। जलाशय तालाब घाट जगहों पर अर्घ दिए जाते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या ऐसे भी लोगों की है, ऐसी छठव्रतियों की भी है जो घरों पर अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, घर के छत पर जलाशय बनाकर छोटा सा पौंड बनाकर अर्घ देते हैं। और छठ व्रत करने वालों में महिलाओं की संख्या तो सबसे अधिक होती है, लेकिन पुरुष भी छठ करते हैं यह भी देखा गया है और अच्छी संख्या में ये लोग छठ करते हैं। आस्था और विश्वास का यह महापर्व बहुत ही श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। पिंड एवं ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता प्रत्येक जीव को जीवन देने वाले सूर्य महादेव के इस महान छठ उत्सव में मैं सबसे पहले सूर्य देव को संस्मरण अर्घ देते हुए आप सभी श्रद्धालुओं को जो यहां पर छठ व्रति के रूप में और उनके साथ आए हुए सहयोगी के रूप में प्रातः काल इस समय उपासना में लगे हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।